जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन में शहर की जिस गरीब बस्ती को पुलिस ने गोद लिया है, वहां डॉक्टरों की एक टीम के साथ कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान पहुंचे और लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया। वहीं डॉक्टर की टीम ने मौजूद लोगों का चेकअप कर उन्हें दवाइयां वितरित की। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस को लेकर बड़े पैमाने पर धीरे धीरे दहशत फैल रही है। ऐसे में उक्त टीम के चिकित्सकों ने लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें एक दूसरे के टच में आने से बचने और सर्दी जुकाम होने पर तुरंत जांच कराने आदि की सलाह दी। ये हमारे जो माननीय पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय साहब द्वारा एक गरीब बस्ती को चिन्हित करके और उसको पुलिस की ओर से यहाँ पर संसाधन जुटाने के लिए चिन्हित किया गया है। तो मैं यहाँ पर सभी लोगों का सर्वे करके और यहाँ पर सुपर आसन और लगातार दूध की सप्लाई की जा रही थी। अभी वर्तमान में आज उनके द्वारा यहाँ जो लोग रह रहे हैं, तो अगर किसी को कोई परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी, तो डॉक्टरों की एक टीम हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं और इन लोगों से पूछ रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं और उससे रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं वो इनको यहीं पर उपलब्ध कराएंगे। कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश एकजुट हो चुका है और लोग अपनी क्षमता के हिसाब से आर्थिक मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। इधर 21 दिन के लॉकडाउन के चलते गरीब और मजदूर परिवारों पर आफत आन पड़ी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से गरीबों और वंचितों के लिए SP मनोज कुमार राय मसीहा बनकर आगे आए हैं और गरीब लोगों की मदद और उनके खाने दाने की व्यवस्था के लिए शहर की एक गरीब बस्ती को गोद लिया है। लॉकडाउन के दौरान तंगहाली में दिन काट रहे मजदूर और गरीब परिवारों के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। पुलिस विभाग द्वारा इनको सूखा किराना, दूध, उसके अलावा दवाइयाँ, जो भी आवश्यक जो चीजें हैं वो यहाँ पर इनको समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। अब ये तो चिन्हित किया है, चूँकि ये लोग यहाँ पर इस स्थिति में है कि अभी सभी काम धंधे बंद हैं और ये लोग रोज कमा के खाने वाले हैं, तो इस स्थिति में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस ओर ध्यान देकर और इनकी जो मूलभूत आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति कराई जा रही है। ये काफ़ी पुलिस द्वारा काफ़ी शहर में भी गरीब लोगों को चिन्हित करके और उनको राशन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माननीय CSP साहब द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और उनके पास पूरा एक सर्वे है। हम लोग चीता टाइगर के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से पता कर रहे हैं कि यदि कोई ऐसा गरीब है जिसके पास खाने को नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सूखा राशन भी हम लोग घर ले जाके दे रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से जहां आम आदमी घर में डरा बैठा है, वहीं पुलिस लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन के बीच चिकित्सकों के साथ पुलिस भी दिन रात मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात है। बुरे वक्त में असहाय लोगों की मदद करने में वैसे तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और लोग इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस भी इन दिनों गरीबों की मदद का एक केंद्र बन गया है, जो सूखी भोजन सामग्री के साथ भोजन पैकेट तैयार कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही है।